पूरे देश के अंदर जो सत्याग्रह किया जा रहा है, ये केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की तरफ से, ट्रेड यूनियन और जो जनसंगठन जनता के बीच में किसान मजदूर छात्र नौजवान खेत मजदूर सबकी तरफ से पूरे देश के अंदर इस सरकार की जो मोदी की सरकार है, जिसकी जनविरोधी नीतियां, आर्थिक नीतियां, उदारीकरण के कारण पूरा देश को बेचा जा रहा है, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरे देश की जनता हाहाकार कर रही है, उसके खिलाफ में पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। और आज हम मेरठ में यहाँ इसमें सीटू के जिला कार्यालय में खेत मजदूर यूनियन और आईएनटीसी इंटक के साथी ये हैं और सीआईटी के साथियों ने मिलकर के आज हम लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। और सत्याग्रह के अंदर विशेष रूप से जो मांग उठा रहे हैं वो ये है कि जो इस लॉकडाउन के अंदर और लॉकडाउन से पहले जो मजदूरों कर्मचारियों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको जो देश के अंदर ला रहे हैं जबरदस्ती, उनके फायदे के लिए, राहत के लिए ये तमाम जो कानून जन मजदूरों के खिलाफ बनाए गए हैं, इनको रद्द करने की मांग करते हैं। ये पूरा तानाशाही तरीके देश को चला रहे हैं। इसी तरीके से किसानों की जो खेती है उस खेती को ठेका खेती करने के लिए विदेशी कंपनियों को लेकर के आ रहे हैं और वो तमाम जो कानून थे 1820 तक के कानून किसानों के हित में जो ब्रिटिश शासन में थे, उन तमाम कानून को बदल करके ये मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले करने के लिए किसान विरोधी देश के खिलाफ वो कानून बनाए गए हैं और उनको रद्द करने की मांग करते हैं। अभी इसके अलावा और जो विदेशी कंपनियों को लाया जा रहा है वायदा कारोबार के अंदर, उसको माल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मंडी का कानून बदल करके इन्होंने उनके लिए मंडी को उन्हीं के लिए एक सेंटर बनाने की नियत से उसको कानून को बदला है। और तमाम पूरे देश के अंदर ये मॉल फैला करके ये वॉलमार्ट की कंपनियों को ला करके यहाँ उसकी कंपनी के उसके स्टोर खोल करके उसको बाजार के अंदर छाया जा रहा है। जो हमारे देश के अंदर पूरे देश के अंदर 5000 करोड़ लोग जो इस वायदा कारोबार में दुकानदारों के बीच में दुकानदार काम करते हैं, तमाम बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा देश गुलाम हो जाएगा। अभी जो सरकार नीतियां बना रही है विदेशी कंपनियों के लाने के लिए रेलवे के अंदर लिए हैं, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं 100% डिफेंस में कर रहे हैं, हथियार बनाने तक के कारखाने उनको दे रहे हैं। और आंतरिक जो हमारे जो किसी देश को चलाने के लिए एक बहुत जरूरी होता है उस आंतरिक मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, पूरा नासारी नदियों को बेच रहे हैं और पीने के पानी को बेच रहे हैं, तमाम खेती को ठेके में दे रहे हैं, मजदूरों के तमाम उद्योग धंधे ठप हो गए, बंद करा दिए, मजदूर परेशान है, बेरोजगार है। और ये लोग इसमें लॉकडाउन के द्वारा जो परेशान हुए वो अपने घर में चले गए, मजदूर प्रवासी मजदूर वो बेचारे गिरते पड़ते गए, सरकार पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई और वो भूखे मर रहे हैं। आज आ नहीं पा रहे, आने के लिए किराया नहीं है और मालिक कुछ बुला नहीं रहे हैं, ना लॉकडाउन में उनको वेतन मिला है, तमाम कारखानों के अंदर लोग परेशान है और उनको कुछ कारखाने जो हमारे देश के घरेलू कारखाने हैं, मझोले छोटे उद्योग बेकार हो गए हैं, उनको चलाने की पूंजी नहीं रही, ना उनके पास पैसा है और ना उनके पास माल लेने के लिए, ना उनके पास माल बेचने के लिए वो है, क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं, खरीदेगा कौन? इसे देश को बर्बाद किया जा रहा है। बस एक मंदिर तमाम पूरे देश के अंदर लॉकडाउन कर रखा है, कोई पांच आदमी ज्यादा आंदोलन नहीं कर सकता पूरे देश के अंदर। और अयोध्या के अंदर हजार लेकर के ये मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री वहां जाकर के वो करता है, जो संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा है। प्रधानमंत्री का किसी विशेष धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, निजी मामला है धर्म का, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री जाकर को ये काम कर रहा है, धर्म काम कर रहा है और वहाँ 100 करोड़ उसके विकास के लिए देने की घोषणा कर दी। आम जनता मर रही है, भूखे मर रहे हैं, बीमारी से निपटने के पास पैसा नहीं है, जनता को लुटवाने के लिए कानून बना रहे हैं, महंगाई बराबर बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बराबर बढ़ाए जा रहे हैं, गैस पे कई बार पैसे बढ़ा दिए गए और इधर जनता परेशान है, जनता को रोटियां खाने के लिए रोटी नहीं है और ये ऐसा यास कर रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आम जनता जनसंघों के माध्यम से पूरे देश में अभियान चला रही है और यह अभियान बराबर रहेगा सरकार के खिलाफ, क्योंकि गुलाम किया जा रहा है देश को, इस गुलामी के खिलाफ हम ही लोग लड़ेंगे। पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में ट्रेड यूनियन के लोगों ने जनसंघ लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है, आज अब फिर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज़।